हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। मैं बता दूँ कि बहुत टाइम से कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और आज थोड़ा बहुत टाइम मिला है। और आज वीकेंड का डे है, सभी घर पे हैं, तो हमारी भी काफ़ी टाइम से कोई आउटिंग नहीं हुई है। तो मैं, भैया, मम्मी और भाभी, हम चारों जा रहे हैं ईओडी एडवेंचर पार्क मयूर विहार फेज 1 में। पापा नहीं जा रहे, पापा घर पे ही हैं, और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये हमारा पहली बार है, हम कभी गए नहीं है। मतलब प्लान तो बनते हैं कि जाना है जाना है, बट हो नहीं पाता वो सक्सेसफुल, तो वो आज हो रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भाभी भी रेडी ही हो रही है, तो फिर उनसे मिलते हैं। हेलो भाभी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हो जाओ तैयार जल्दी। ओके 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 नीचे से ओके ओके यही वाली पहनना। क्या क्या नाम? पार्टी में थोड़े जा रहा मैं, है तो क्या लेके जाओगे आप? ये भाभी की बुक्स देखो, मेरी पढ़ाकू भाभी। ये पहन के जाओगे? ये पहन के जाओगे? क्या पहन के जाओगे? निकर में? मैं तो ऐसे भी चल जाता हूँ। चले, यही कमीज लेके जाने। कहाँ लेके गया उसे? अच्छा, ये वाली ऑफिस लेके नहीं गए तुम? एक बार गया। हो, कितना झूठ बोलते हो आप। दो तीन तीन बार लेके गए आप, ठीक है? नहीं, हर जगह भाई यही पहन के जाना, हर जगह यही पहन के जाना। लोग भी बोलेंगे इस बंदे के पास एक ही कमीज होगी, एक ही कमीज पहन के जाना है हर जगह। Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun on the highest mountain ever seen before. बैंड मिल चुके हैं और हमारी अब एंट्री स्टार्ट हुई। गाइस, हम ना पहले बोटिंग करने जा रहे हैं क्योंकि ना फिर बाद में बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। तो हम अपना जो पहली एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर रहे हैं बोटिंग से। किसे स्टार्ट कर रहे हैं? बोटिंग से। हेलो माँ। हेलो माँ। बोटिंग की लाइनें इतनी बड़ी, ओह गॉड। बोटिंग करी है पहले कभी? हाँ, मैंने की है। कहाँ पर? देहरादून में। घूमने के लिए ना एक टाइम। देहरादून में है? हाँ, देहरादून के कहाँ बताऊँ मैं तुम्हें? छोड़ो। पांवटा साहिब। ओके ओके। उधर गई थी मैं तब। पांवटा साहिब मैं गया। आगे गई थी हम एक बार, तब की थी मैंने।
हमने ना 400 वाली ले ली है और जिसमें सारी एक्टिविटीज है ना, मतलब जो अच्छे अच्छे एक्टिविटीज है वो 600 वाले में, तो अभी हम इसको ले जाके 600 वाला कराने जा रहे हैं। अब हमने 600 वाला ले लिया। मम्मी सैम की बैठी हुई है, हिंदी बोल लो यार, हद हो गई। जल्दी 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 भाई, इसमें तो बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर तू भाभी की साइड ले जाएगा, मैं इसकी साइड जाऊंगा तो इधर जाएगा, मैं इधर जाऊंगा तो इधर जाएगा, ऐसा है। तो जा भी कहाँ रहे भाभी और भैया, सुंदर लग रहे हैं। घर से निकलो मत, एक दिन में सब घूम लोगी। दो कौड़ी की नदी है। अब हमने जगह बदल दी अपनी, भूख ही लग गई इसको करते करते। तो यार अब गैस का पाइप, मम्मी भी अलग ही है, ये भी गाइस वहीं फंस चुके हैं जहां हम फंसे थे शायद। इन्होंने तो निकाल दी, यहाँ अपनी बातें जल रही हैं। मम्मी उड़ने को तैयार है। माँ हेलो वाला पोज, हेलो मैं ले जाऊंगी तुम्हें, है एक दिन। मम्मी कह रही है पैसा कमाने का धंधा है। और भाई मेरे तो पैर कहाँ पर है। भाभी कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे को अच्छा नहीं रहा, नाव भी बेकार में लगा। पैडल मार के मार के तुम लोगों के पैर दुखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदी में बोलो। नहीं नहीं बोलो बोलो, मगड़ वाले बोलो। निकला बेचारा, ये नहीं कर पाएगा। ये नहीं कर पाएगा। ओ शिट, मुझे क्या पता। पुअर गाय। हम आ चुके हैं टॉप पे, तो देखो इसे, देखो जी खाओ और घी खाओ और घी। एक दिन कम घी लगे थे, घी नहीं है घर पे, कम घी क्यों लगा रखा है? लगा दबा के लगा घी। ये भगवान क्या जुलुम है। अपना तो छोटा सा है ये।
से अपनी हम जिए यहाँ सुबह किसी की हम है कहाँ
भाभी आपके कहाँ है? और मम्मी की देखो। चुकी हूँ, हम लोग घर पहुँच चुके हैं और मैं बता दूँ जो हमारा डे था आज का वो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ईओडी एक ऐसी जगह है ना जो आप अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो। और रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वीकेंड वाला डे था, छुट्टी वाला डे था। और वीकडेज पर नॉर्मली वो टिकट जो होती है वो 400 की होती है और वीकेंड पर वो 600 हो जाती है, 200 एक्स्ट्रा हो जाता है। और हमें जो टाइम लगा वो बॉलिंग में लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बॉलिंग में, बहुत देर में नंबर आया। और काफ़ी अच्छा दिन था। और साइकिलिंग और जो बोटिंग थी उसमें तो बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ओवरऑल डे था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा डे था। थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी मिस हो गई, आर्चरी और एक दो चीज़ें जो हमने नहीं कर पाए वो टाइम इशू की वजह से, अदरवाइज और ओवरऑल बहुत अच्छा डे था। आप लोग भी ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छी जगह है। और तो यही था इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।